का स्वागत है आप सभी को हमारे आज के एक और नई वीडियो में। तो कैसे यार, बहुत दिन से मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहा था, बट यार आज मैं ब्लॉग वीडियो करने के लिए निकल चुका हूँ। तो कैसे यार, मैं जा रहा हूँ धुबरी एंड अकेले जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते, मैं जा रहा हूँ 100 मिनट टोटो में, बट ये मेरे पास हेलमेट है। वैसे यार बाइक मुझे मिलेगा सामने, एंड क्योंकि सुबह मेरे वहाँ से बाइक लेके आया था, बट आज वहाँ से बाइक लेके फिर वहाँ से हम निकलते हैं। सो यार हमें बाइक भी मिल गया था, बट यार मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाया था। लेकिन कैसे यार आप लोगों को मैं बता दूँ, सो गाइस यार ये ट्रेन निकल जाएगा, उसके बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। एंड गाइस बाइक भी मिल गया है, एक ट्रेन तो निकल गया, बस मुझे लगता है कि एक और ट्रेन आना बाकी है। तो वैसे यार वो आएगा तभी शायद हम लोगों को यहाँ पे छोड़ेगा। तो वैसे यार मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, एंड मुझे वहाँ से निकलना भी है जल्दी, और गाइस पहुँचना भी जल्दी है, बहुत काम है वहाँ पे। तो वैसे यार काम हम निपटा के फिर निकलते हैं। सो यार लगभग 10 से 15 मिनट के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मोनाई टी स्टेट। जैसे आप पीछे जो ये मतलब चाय के बगीचा देखते हो, ये मोनाई टी स्टेट है। एंड गैस आपको बता दूँ, यहाँ से शुरू होता है मोनाई टी स्टेट का जो मेन गेट। तो गैस यार बाइक यहाँ पे रखे हैं, तो गैस यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मोनाई टी स्टेट का थोड़ा बहुत नज़र है। तो गैस यार पे पानी वानी दे रहा है, तो गैस यार देख सकते हो यहाँ पे। एंड गैस मैं यहाँ पे दो चार फोटो खिंचवाने के बाद मुझे लगता है कि शायद यहाँ से हमें जाना चाहिए। तो वैसे जल्दी जल्दी फोटो वोटो खिंचवा के फिर निकलते हैं। एंड गैस आप लोगों से मिलता है डिंग डिंग बाजार में। सो यार जो मेरा काम था वो थोड़ी देर पहले हो चुका था, बट मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था, बहुत अर्जेंट था, जिसके लिए वैसे अभी मैं हूँ ग्रामपुर में। एंड यहाँ पे जीजू से मिलके थोड़ा बहुत काम था यहाँ पे भी, तो वो भी कंप्लीट कर ले। तो वैसे यार अभी करके नहीं निकला हूँ, बहुत टाइम लेट हो गया मैं, मतलब वो जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं रहा, बस ठंडा लगेगा ना, तो इसलिए गैस मुझे अभी निकलना पड़ा। गैस अभी लगभग 6 बज रहा है, और गैस यहाँ पे रोड भी बहुत खाली खाली है। तो वैसे यार मैंने कुछ पहना नहीं है, मतलब एक बस स्पॉटिंग से पहन के आया था। तो वैसे यार टाइम बहुत लंबा लगा। एंड गैस आप लोगों ने देखा कि रेल गेट में मतलब कितना ज़्यादा वो जाम हो गया था, जो कि उठ नहीं रहा था एक्चुअल में वो, मतलब ट्रेन तो जाना था वो जा चुका था, बट यार वो पट्टा नहीं उठ रहा था, इसके लिए बहुत टाइम लेट किया हमने। तो वैसे यार अब मैं पहुँच चुका हूँ श्रीरामपुर के मेन चौकोटे में। तो वैसे यहाँ पर मैंने 2-4 मिनट रेस्ट लिया, पानी वानी पिया। तो वैसे यार मुझे अब लगता है कि यहाँ से मुझे जाना चाहिए। तो वैसे यार रात भी बहुत हो चुका है, अब 7 बज रहा है अभी। तो वैसे यार घर पहुँचते पहुँचते और भी आधा घंटा लग जाएगा। तो यार घर पहुंचने से पहले यहाँ पे मोहिबुल और जहांगीर मिल गया, जो दोनों आज अरुणाचल जा रहा है। तो वैसे यार रोड पे मिल गया, ये रहा जहांगीर मोहिबुल। तो वैसे यार मैंने सोचा नहीं था, इन लोगों का 4 बजे का टाइम दिया था मुझे, दोपहर को कहा था 4 बजे जाएंगे, बट यार इन लोगों का गाड़ी लेट हो गया, बट कोई ना आज ये लोग जा रहे हैं तो थोड़ा संभाल के जाना। और मोहिबुल वहाँ पे जाके भूल मत जाना तेरे पापा को, ठीक है? तेरे को कैसे भूल सकता हूँ। तो वैसे यार सच में शायद इन लोगों से मिलना मेरा नसीब में था, बहुत अच्छा लगा सच में इन लोगों से मिल के। एंड बाय 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 गाड़ी। सो गाइस यार बस आ रहा है, इन लोगों को उठा के मैं घर के लिए निकल जाता हूँ।